कोई 50 करोड़ लेकर के आएगा, कोई 100 करोड़ लेकर के आएगा, और हम लोग गांव घर वालों का ये 100 रुपया और 50 रुपया लेकर के आएंगे और 100 करोड़ पर ये 100 रुपया हावी हो जाएगा, और ये आशीर्वाद की बुनियाद पर हम लोग इस लड़ाई को जीत करके दिखाएंगे। लोकसभा में जरा मतों का जिस तरह से कहा जा रहा है कि पहली बार 7 लाख पार, संजय मेहता जी हजारीबाग लोकसभा में कितना लाख पार करेंगे? किसी भी एक पैसे को मैंने अब तक खर्च नहीं किया, जो भी ये हम लोगों को दान मिला है मैं सारे पैसे को अभी रख दे रहा हूँ, और जब आम जनमानस के बीच जीत के बाद जाएंगे तो इन्हीं पैसों से हम जनता के बीच जाकर के मिठाई बांटेंगे। इसलिए लेकिन गांव वालों ने हम लोगों को साफ तौर पर कहा है कि बाबू भले हमने हेलीकॉप्टर देखे चल जेबो, और भले हम इनके गाँव में कोई आज तो चुनाव प्रचार कर तो ओकरा पानी शरबत पिया देबो, लेकिन वोट खरीद तो इनके जेतो। जोहार, आज हमारे साथ JLKM टाइगर जरा मतो JBKSS के क्रांतिकारी जो पार्टी है नया गठन जो हुआ है उसके हजारीबाग लोकसभा के उम्मीदवार संजय मेहता जी हैं। काफी आनंद फानंद में समय मिला है, आप लोगों से रूबरू करवाएंगे कि दिन भर दौरा कर रहे थे, रात को समय दिए हैं, आज जानने का प्रयास करते हैं इनसे कि किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। जयराम मतो से टिकट मिल गया है और आंदोलन 2 सालों से किए थे, काफी तिलक लेके और माला पहन के क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, बाकी और भी बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, मनीष जायसवाल हैं, JP पटेल हैं, क्या संजय मेहता एक नए युवक हैं उनको मात दे पाएंगे, या फिर जिस तरह से 2 सालों से आंदोलन कर रहे थे लोगों का भीड़ हुजूम उमड़ रही थी बस वहां तक सीमित रह जाएगी? सबसे पहले जोहार। बहुत जोहार आपके तमाम दर्शकों को, झारखंड के तमाम लोगों को बहुत जोहार है, क्रांतिकारी जोहार है। किस तरह से तैयारी में लगे हैं आप? तैयारी बिल्कुल, हम लोग ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं और एक एक आदमी तक हमारा संदेश पहुंचे, एक एक आम जनमानस तक जो हमारी विचारधारा है वो पहुंचे, और एक एक आम जनमानस को हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि झारखंड की राजनीति को हम लोग साधारण घरों में शिफ्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल गांव घर के खेतिहर मजदूर किसान के बेटे को आप लोग नेतृत्व का अवसर दीजिए, साधारण लोगों को नेतृत्व का अवसर दीजिए, और एक बात प्रमुखता से हम लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से वंशवाद और परिवारवाद झारखंड की राजनीति को पूरे तरीके से जकड़ लिया है और अधिकतर विधानसभा क्षेत्रों में लोकसभा क्षेत्रों में कोई एक ही परिवार का लंबे समय से कब्जा है, किसी का बेटा बेटी पति पत्नी यही सब कुछ चल रहा है, इससे झारखंड की राजनीति को कम से कम ये बेहद ज़रूरी है कि हम लोग उसको शिफ्ट करें साधारण घरों में। इस JP पटेल एक तरफ है, एक तरफ मनीष जायसवाल है, भाजपा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, नेशनल पार्टियां हैं, वहाँ अब एक क्षेत्रीय पार्टी जो कि महीने दो महीने पहले पार्टी का गठन हुआ है, 2 सालों के आंदोलन में जो आप लोग का चेहरा बना है राज्य में, देश भर के बड़े बड़े दिग्गज स्टार प्रचारक आएंगे, उन लोगों को कैसे हराइएगा? जो भी स्टार प्रचारक दिल्ली से आएंगे उनको ये पता ही नहीं चल पाएगा कि गाँव गलियारे में क्या चल रहा है, उनको ये पता ही नहीं चल पाएगा कि गांव गलियारे में पूरे पलाश के जो फूल हैं उससे हम लोगों की गाड़ियों को भर दिया जा रहा है, उनको ये नहीं पता चल पाएगा किस तरीके से आम के पत्ते जो हैं उसका माला पहना करके और हम लोगों को इतना प्यार दिया जा रहा है। तो इस बात को आपको ये मान करके चलना है कि जो लोग दिल्ली से आएंगे बड़ा प्रचार करने के लिए वो अपना हेलीकॉप्टर घुमाएंगे, क्योंकि झारखंड की जनता है बहुत ज़्यादा हेलीकॉप्टर नहीं देख पाती है, तो हेलीकॉप्टर देखने वो चले जाते हैं। लेकिन गांव वालों ने हम लोगों को साफ तौर पर कहा है कि बाबू भले हमने हेलीकॉप्टर देखे चल जेबो, और भले हम इनके गांव में कोई आज तो चुनाव प्रचार कर तो ओकरा पानी शरबत पिया देबो, लेकिन वोट खरीद तो इनके जेतो, ये बात तो इन मान के चल। तो इस तरह से पूरे झारखंड के गांव गांव में एक माहौल बन गया है कि इस बार टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में झारखंड के अंदर और ये हमारे तमाम नौजवान साथियों ने जो एक बड़ा संकल्प लिया झारखंड की राजनीति को बदलने का, ये संकल्प को हम लोग साकार करेंगे, इस सपना को साकार करेंगे, इस बात को एकदम मान करके आप लिख लीजिए देव जी कि बहुत बड़ा परिवर्तन झारखंड के अंदर होने जा रहा है। एक अंडर करंट जो है उसको ये बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां समझ नहीं पा रही, पूरे गाँव घर में एकदम एक करंट दौड़ रहा है कि कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ झारखंड में अब झारखंडियत की बात होगी, माटी की बात होगी, स्थानीय लोगों की बात होगी, स्थानीय हक अधिकारों की बात होगी, रोजी रोजगार की बात होगी, सिर्फ यही बात गांव घर में चल रहा है। आप क्या आंदोलन कर रहे हैं कि राजनीति का प्रचार पंचायत विस्तार कर रहे हैं? आप पर आरोप आ रहे हैं कि आप रामगढ़ जिला जाते हैं, अलग अलग विधानसभा में जाते हैं तो अपना पंचायत विस्तार करते करते मुआवजा में देने लगते हैं, कहाँ कहाँ पर आप देखते हैं बड़े बड़े अधिकारियों को फटकार लगाने लगते हैं, तो राजनीतिक करियर आगे बढ़ाना है कि
आंदोलन करते रहना जीवन भर। देखिए, आंदोलन तो राजनीतिक जीवन का एक हिस्सा है। आंदोलन के रास्ते से ही राजनीति का भी रास्ता होकर के गुजरता है। आंदोलन क्या है? जनता के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाना, और अगर सरकार उन मांगों को नहीं मान रही है तो आंदोलन करना। और हम लोगों ने यही किया है पूरे झारखंड के अंदर। 24 दिसंबर 2021 से जब ये आंदोलन की शुरुआत हुई, तो उस वक्त से अभी तक हम लोग यही ना कर रहे हैं कि जाकर के किसी कंपनी के गेट के सामने धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी मजदूर की मौत हुई तो मुआवजा के लिए लड़ रहे हैं। और जिस वक्त आप इंटरव्यू ले रहे हैं, उसके कुछ घंटे पहले ही जेबी केसेस ने 23 लाख रुपया मुआवजा हमारे तमाम साथियों ने मिल करके दिलाया है। तो मैं ये साफ तौर पर आपको कहना चाहता हूँ कि आंदोलन का जो हमारा मूल अपना एक कार्यशैली है, वो हमारा तो चलता रहेगा संगठन के स्तर पर। लेकिन चूंकि संगठन चुनाव भी लड़ रहा है, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष भी चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे तमाम साथी भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम लोग चुनावी राजनीति में भी मजबूत चुनौती पेश करेंगे। और बिल्कुल पेशेवर अंदाज में, जैसे एक राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ती है, उसी तरीके से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि हम लोगों के पास संसाधन कम है, लेकिन गाँव घर वाले लोग हम लोगों को अपने यहाँ रुका रहे हैं, खाना दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं और अपनापन दे रहे हैं। और उसके बाद उनको, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोगों के पैकेट में कुछ पैसे भी दान स्वरूप डाल दे रहे हैं। तो इतना जब प्यार मिल रहा है तो इतिहास तो बनेगा, एक बड़ा परिवर्तन तो होगा, इस बात को आप मान करके चलिए। जेपी पटेल एक हैं जो कि भाजपा छोड़ कांग्रेस में गए हैं और अभी आपके विपक्ष में खड़ा हो रहे हैं, उनका भी अच्छा पहचान है, उनके पिताजी का राजनीतिक करियर अच्छा रहा है, तो आखिर आपका करियर देखा जाए राजनीति में कुछ नहीं रहा, आंदोलन 2 साल में, अभी तो आपका क्या बोले का बचपना है, उनका इतना बड़ा राजनीतिक करियर रहा, पूरा परिवार का रहा, उनका भी रहा, तो उनको ना देकर आपको लोग क्यों वोट देंगे? आपने जो सवाल किया उसी में 3 आंसर है। आपने कहा कि एक हैं प्रत्याशी जो अभी अभी कांग्रेस में गए हैं बीजेपी को छोड़ करके, दूसरी बात आपने कहा कि उनके पिताजी का बहुत लंबा पॉलिटिकल करियर रहा है, और आपने इस बात का भी जिक्र किया कि इतने बड़े लोगों के बीच आप कैसे मतलब ये टिकेंगे। देखिए, पहली बात तो आप ये समझिए कि जो टिकलाल बाबू थे, टिकलाल बाबू की अपनी एक पॉलिटिकल लीगेसी थी, अपना उनका एक कार्यशैली था, वो झारखंड और झारखंडियत के लिए कभी कहीं पर समझौता नहीं किया, हमेशा झारखंड के लिए लड़ते रहे, उनका पूरा जीवन झारखंड के लिए समर्पित रहा। आपने जिनका नाम लिया कि दूसरे दल में वो चले गए और प्रत्याशी हैं, तो ये सवाल खड़ा होता है कि क्या आइडियोलॉजिकल उनका स्टैंड है, क्या वो राजनीतिक तौर पर और अपनी राजनीतिक विचारधारा को लेकर एक ही बिंदु पर कायम है कि बार बार वो बदलते रहते हैं। और अगर बार बार बदल रहे हैं और ऐसा कैरेक्टर है, इसका मतलब कि अगर वैचारिक तौर पर अस्थायी तो नहीं है, इसका साफ मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्वार्थ है। आप कभी इस दल में रहते हैं, फिर इस दल में, और फिर इस दल में चले जाते हैं, तो इसका मतलब कि एक व्यक्तिगत स्वार्थ हुआ। दूसरी बात ये आपको समझना होगा कि हजारीबाग की पूरी राजनीति में एक परिवार के द्वारा बार बार ये कोशिश की जाती रही है कि हमारे ही घर से सब कुछ तय हो। तो मुझे इस बात का बेहद दुख है कि जो टिकलाल बाबू हमेशा झारखंड और झारखंडियत के लिए लड़े, आज उनकी विरासत को बचाने की जिम्मेवारी जिनके ऊपर थी, वो दल बदल रहे हैं, और इतना ही नहीं, वैसे लोगों के समक्ष जाकर के घुटना टेक रहे हैं जो झारखंडी माटी के नहीं हैं। मैं कहाँ बात कह रहा हूँ, आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो ऐसे में आपको ये गौर करना होगा कि जब जो लोग झारखंडी माटी के नहीं हैं और उनके समक्ष वो जाकर के माथा टेक रहे हैं, इसका मतलब कि अगर ऐसे लोगों की जीत भी होती है तो वो स्वतंत्र नेतृत्वकर्ता के तौर पर काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका रिमोट कहीं और होगा। इसलिए इस बात को भी समझना है आपको। और यही बात मैं कहना चाहूँगा कि इस बार पूरे हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़े परिवर्तन की गाथा लिखी जा चुकी है, और यही गाथा गिरिडीह लोकसभा के अंदर भी लिखी जा चुकी है। मतलब गिरिडीह लोकसभा में जरा मतों का जिस तरह से कहा जा रहा है कि पहली बार 7 लाख पार, संजय मेहता जी हजारीबाग लोकसभा में कितना लाख पार करेंगे? देखिए, चुनाव से पूर्व किसी भी प्रकार का दावा आप कह सकते हैं कि एक पूर्वानुमान आप लगा सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार का एकदम फैक्ट, एक पूरा आंकड़ा दे देना कि इतना पार कर जाएंगे, ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी बात कह देना होगा, क्योंकि फैक्ट और डेटा पे सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इस बात को आपको मान करके चलना है
कि अगर झारखंड के हम लोगों के पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान कहीं पर अगर सबसे बड़ी जीत से अंतर होगी और जीत का अंतर होगा तो आप ये मान करके चलिए कि गिरिडीह और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में जीत का अंतर सबसे ज़्यादा होगा और वो अंतर जे बी केसेस ही दिखाएगा। मतलब बहुत बड़ी संख्या में वोटर्स एक तरफा वोट करने वाले हैं और जो हार जीत का फासला होगा वो समझ लीजिए कि किसी जो कैंडिडेट को वोट नहीं आएगा, मतलब 4-5-6 लाख का अंतर भी हो सकता है। जैसे पिछली बार जब यहाँ के एक प्रत्याशी की जीत हुई थी तो बहुत लंबा अंतर था, तो उस वक्त लोग कहते थे कि दिल्ली के किसी एक नेता की लहर है और इस बार झारखंड के एक नेता की लहर है, तो लोग अपने माटी के साथ जुड़ेंगे और एक बहुत बड़े अंतर से हम लोगों को जीत का एक आशीर्वाद देंगे। इस बात का पूरा भरोसा है, बहुत आत्मविश्वास के साथ मैं ये बात को कह रहा हूँ, एक प्रत्याशी के तौर पर आत्ममुग्धता में ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। आप विपक्ष का ये भी आरोप है कि आप लोग राजनीति में आए हैं और लोकसभा नॉमिनेशन का अभी नहीं किए हैं, फिर भी अभी से आप लोग का लोग चंदा देने लगे हैं, आपको देखते हैं माला में भी चंदा, पॉकेट में पैसा, तो इस उम्मीदवार इसलिए उतर रहे हैं कि आप चंदा मिल रहा है, लाखों रुपया कमा रहे हैं। लाखों रुपया आपको देव जी दिखाते हैं एक बार। देखिए झारखंड की राजनीति में मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई किसी को इस तरह से इतना प्यार और आशीर्वाद दे रहा है। और मैं लोगों से यही कह रहा हूँ कि कोई 50 करोड़ लेकर के आएगा, कोई 100 करोड़ लेकर के आएगा, और हम लोग गांव घर वालों का ये 100 रुपया और 50 रुपया लेकर के आएंगे और 100 करोड़ पर ये 100 रुपया हावी हो जाएगा और ये आशीर्वाद की बुनियाद पर हम लोग इस लड़ाई को जीत करके दिखाएंगे। इस बात को आप पूरा भरोसा रखिए। और जहां तक आपकी बात है आपको कि लोग हाँ जो दिन भर मिलता है वो मैं इसमें आपको पैसे देते हैं, लोग क्यों देते हैं? लोगों को एक तरीके से ऐसा लगता है कि ये गांव घर के लोग मेहनत कर रहे हैं। ये देखिए जैसे हम लोगों को फूल मिला है, अक्षत मिला है, ये मैं सब रख रहा हूँ क्योंकि ये एक आशीर्वाद है और ये इस बात का मुझे भावनात्मक तौर पर एहसास कराता है कि जिस माटी ने आपको इतना प्यार दिया है तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए कर्ज है और इस कर्ज की अदायगी उनके लिए सेवा करके होगी। और ये हमेशा इस बात का आभास दिलाता है कि इस जनमानस के साथ आप कभी कोई धोखा नहीं कर सकते हैं, कभी कोई अन्याय नहीं कर सकते हैं। और इसलिए हम लोग बिल्कुल भावनात्मक तौर पर इसको स्वीकार करके इस किसी भी एक पैसे को मैंने अब तक खर्च नहीं किया। जो भी ये हम लोगों को दान मिला है मैं सारे पैसे को अभी रख दे रहा हूँ और जब आम जनमानस के बीच जीत के बाद जाएंगे तो इन्हीं पैसों से हम जनता के बीच जाकर के मिठाई बांटेंगे। इसलिए इस पैसे को रख रहे हैं और इस बात का भरोसा रखिए कि इन्हीं दान के पैसों से हम लोग जनता के बीच आपस में जाकर के मुंह मीठा करने वाले हैं और एक बहुत बड़ा इतिहास हम लोग लिखने वाले हैं। क्या जब आपको पैसा इस तरह का मिलता है, लोग जब जाते हैं पार्टियां गाँव में तो पैसा बांटते हैं, बहुत सारे चीज देते हैं, लेकिन जब आपको पैसा मिल रहा है चुनाव लड़ने के लिए तो किस तरह का उस टाइम आपका मन में ख्याल आता है? बहुत भावुक हो जाता हूँ, कई बार मैं अपने आंसुओं को भी छिपा लेता हूँ कि कितनी जनता, मतलब क्या दिल है उनका। कभी कभी लगता है कि सब कुछ न्यौछावर कर दें अपनी इस मिट्टी के लिए, जहाँ के लोग इतने भोले हैं, जिनका दिल इतना साफ है, जिनके दिल में इतनी पवित्रता है, जिनका आत्मा एकदम प्यार सद्भाव अपनत्व भाईचारे से भरा है, जो कूट कूट करके प्यार बरसा रहे हैं। मैं सोच कर दंग रह जाता हूँ कि ऐसे भोले भाले लोगों के साथ यहाँ के लोगों ने कितना अन्याय किया। उनकी जमीन छीन ले गई, उनको विस्थापित कर दिया गया, लोग कंपनियों में मर रहे हैं, किसी तरीके से दुर्घटना हो जा रही है, लोग कितने परेशान हैं, एक अदद नौकरी नहीं मिल पा रही है, 5-10 हज़ार की नौकरी नहीं मिल पा रही, मतलब पूरा हम लोगों का इलाका परेशान है। और जिन लोगों के पास दिन भर में 100 रुपया 50 रुपया किसी तरीके से गुजारा कर रहे हैं, वैसे गाँव वाले लोग आज इतना प्यार और सम्मान दे रहे हैं। मुझे ये लगता है कि इस मिट्टी ने एक बहुत बड़ा कर्ज हम लोगों के ऊपर दिया है और मैं आपको साफ साफ ये बताना चाहता हूँ कि इस जंग के मैदान में हम लोग जीतने तो जा ही रहे हैं, लेकिन जीत के बाद जो हम लोगों का काम का तरीका होगा, जो रफ्तार होगा, वो बहुत आप कह सकते हैं कि जैसे अभी जहाँ रात हो रही वहीं हम लोग रुक रहे हैं। हम लोग काम के स्टाइल में भी इसको अपनाएंगे जीतने के बाद। हाँ, जनता के बीच जाएंगे, वहीं रात गुजारेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, वहीं पर उसके समाधान का रास्ता निकालेंगे और इन सारे पहलुओं पर हम लोग काम करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जिन चीज़ों को 24-25 सालों में झारखंड के अंदर खराब किया गया है, जिन चीज़ों को झारखंड के अंदर लंबे अरसे से नहीं दिया गया आम लोगों को, उसको हम लोग 2 मिनट में नहीं ठीक कर पाएंगे। तो जब 3 साल के आंदोलन में 100 साल की पार्टी 50 साल की पार्टी को हम लोग चुनौती दे सकते हैं, तो
तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि जब जनता अपना आशीर्वाद देगी तो एक दो साल में भी हम लोग कुछ जनता की समस्याओं को सुन करके उनके निदान का रास्ता निकाल सकते हैं, अपना जितना ताकत है। जैसे आज रात के 12 बज रहे हैं, मैं अभी चुनावी सभाओं के बाद आ रहा हूँ, तो इस तरह से जब इतने रात में हम लोग चुनावी सभा करके आ सकते हैं तो जनता की समस्या को सुनने के लिए क्यों नहीं जाया जा सकता है। तो ये मेहनत उसके बाद भी जारी रहेगा, इस बात का आपको मैं पूरा भरोसा दे रहा हूँ। और एक चीज आ रही है बात सामने कि सूत्रों के माध्यम से ये पता चला है कि जयराम महतो के बाद आपका भी नाम आ रहा है कि वेल एजुकेशन और वेल एजुकेटेड आप भी हैं। तो जनता जानना चाहेगी कि हजारीबाग लोकसभा के जो उम्मीदवार हैं संजय मेहता, तो कितना एजुकेशन, क्या एजुकेशन है जो लोकसभा को अच्छा से टैकल कर पाए? नहीं, देखिए जहाँ तक मेरी पढ़ाई की बात है, अभी मैंने मास कॉम में ग्रेजुएशन किया और फिर मैंने पीजी किया और फिर मैंने एलएलबी किया मतलब लॉ की बैचलर डिग्री, और फिर मैंने एलएलएम किया मतलब लॉ की मास्टर डिग्री। और लॉ की मास्टर डिग्री जब मेरी कंप्लीट हुई तो एलएलबी कंप्लीट होने के बाद से ही हम लोगों ने अपना प्रैक्टिस का जो भी लॉ का होता है अपना एक एग्जामिनेशन जो होता है ऑल इंडिया बार का, वो एग्जामिनेशन दिया, वो भी एग्जामिनेशन क्रैक हो गया। तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाता है COP। तो एक विकल्प ये था कि अपना प्रैक्टिस को जारी रखते हैं, हमने हाईकोर्ट को ज्वाइन भी किया, लेकिन एक बात ये महसूस हुआ कि ठीक है अपना प्रैक्टिस कर लेंगे, पैसे आ जाएंगे, अपना जीवन ठीक हो जाएगा, लेकिन जिस समाज ने आपको बनाया है, जिस समाज ने आपको सींचा है, जिस समाज ने आपको इस काबिल बनाया कि आप कुछ पढ़ाई कर लें, आप कुछ ज्ञान अर्जित कर लें, तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आपके बीच के लोग, आपके ही समाज के लोग, आपके बीच के रहने वाले लोग आज अगर दिक्कत में हैं तो उनके लिए कुछ काम किया जाए। और इस बात की बहुत संतुष्टि है देव जी कि पूरे झारखंड के अंदर जिस प्रखरता के साथ, जिस मुखरता के साथ हम लोगों ने काम किया, उसका एक बड़ा परिणाम सामने मिल रहा है और बहुत ही बड़े स्तर पर जनता संतुष्ट हुई है कि नहीं, इन लोगों के काम में पवित्रता है, ये लोग ईमानदारी से कर रहे हैं और झारखंड की जनता को वास्तव में ये लोग कुछ देना चाहते हैं। और यही कारण से हम लोगों का आज कुछ भी एक तरीके से अपने पास नहीं है, ना हम लोगों के पास अपनी कोई बड़ी गाड़ी है, ना हम लोगों के पास हर इलाके में घर और बंगला है, और ना हर इलाके में हम लोग कहीं पर अपना बड़ा बड़ा होटल और ये रेस्टोरेंट खोल के रखे हैं, लेकिन ना हम लोगों को खाने की दिक्कत हो रही है और ना सोने की दिक्कत हो रही है। जिस गांव में जाते हैं घर मिल जाता है और जहां पर जाते हैं वहां लोग खाना खिला देते हैं। आप देखे हो कितनी माँ बहन लोग बोलती चलिए खाओ करके जाइएगा, तो इस तरह का प्यार मिल रहा है, बहुत ऐतिहासिक है। भारत की राजनीति में ऐसा नहीं हुआ है कि मुझे लगता है कि लोहिया JP इस सब के दौर के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है झारखंड में, जब इतने बड़े स्तर पर एक इतनी बड़ी क्रांति आई है जिसमें आम जनमानस एकदम सामने से सहयोग कर रहा है। और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि टाइगर जयराम महतो ने अपनी पूरी बेबाकी से, अपनी पूरी प्रखरता से, अपने पूरे नेतृत्व कौशल से झारखंड के अंदर एक उम्मीद जगाई है और इस उम्मीद को हम लोग सींचने का काम कर रहे हैं, इसको हम लोग सींचते रहेंगे, इस बात का आपको पूरा भरोसा दे रहे हैं। तो ये थे संजय मेहता जी, हजारीबाग लोकसभा से JLKM पार्टी से उम्मीदवार हैं। इनके विचार कैसे लगे कमेंट करके आप जरूर बताएगा। मिलते हैं और भी नए एपिसोड में, विदाई लेते हैं आप लोगों से, आपको भी धन्यवाद। शुक्रिया, जोहार आपके तमाम दर्शकों को फिर से।